ताकि इस बात की वजाहत हो जाए कि कौन सा वाकया पहले और कौन सा उसके बाद पेश आएगा। कयामत की बड़ी बड़ी अलामात में सरजमीन हिजाज से आग का निकलना, ये वाकया पेश आ चुका है। इस तरह फितना तातार वफा हो चुका, घर घर से गाने बजाने की आवाजें हम सुन रहे हैं, बेहयाई आम हम आंखों से देख रहे हैं। वालिदैन की नाफरमानी कोई ढकी छुपी बात नहीं, बाप के मुकाबले में लोग दोस्तों को तरजीह देते हैं, ये भी अब आम बात है। मैं तो अब उन अलामात को तरतीब वार बयान करूंगा जिनको अभी मारज़े वजूद में आना है, लेकिन उनमें से आम अलामात जो अब देखने में आ रही है बताता चलूं। ये मुख्तलिफ अहादीस में मौजूद है, यहां उनको जमा कर रहा हूं। ये तमाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दीन पर कायम रहने वाले की हालत उस शख्स की तरह होगी जिसने अंगारे को मुट्ठी में पकड़ रखा हो। दुनियावी एतबार से सबसे नसीब वाला वो होगा जो खुद भी कमीना और उसका बाप भी कमीना हो। लीडर बहुत और अमानतदार कम होंगे। कबीलों और कौमों के लीडर मुनाफिक रजील तरीन और फासिक होंगे। बाजारों के रईस ताजिर होंगे। पुलिस की कसरत होगी, वो जालिमों की पुष्ट पनाही करेगी। बड़े बड़े ओहदे ना अहलों को मिलेंगे। लड़के हुकूमत करने लगेंगे। तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, यहां तक कि तिजारत में औरत अपने शौहर का हाथ बटाएगी। नाप तोल में कमी की जाएगी। लिखने का रवाज बहुत बढ़ जाएगा, मगर तालीम सिर्फ दुनिया के लिए हासिल की जाएगी। कुरान को गाने बजाने का आला बना लिया जाएगा, यानी गा गा कर पढ़ेंगे। रिया, शोहरत और माली फायदे के लिए कुरान को गा गा कर पढ़ने वालों की कसरत होगी। फुकाहा की किल्लत होगी। उलामा को कत्ल किया जाएगा। उन पर ऐसा वक्त आएगा कि वो सुर्ख सोने से ज्यादा अपनी मौत को पसंद करेंगे। इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार कहा जाएगा। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा समझा जाएगा। अजनबी लोगों से हुस्ने सलूक किया जाएगा और रिश्तेदारों के हुकूक पामाल किए जाएंगे। बीवी की इताअत और माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। मस्जिदों में शोर और शगब और दुनिया की बातें होंगी। सलाम सिर्फ जान पहचान के लोगों को किया जाएगा, हालांकि सलाम हर मुसलमान को करना चाहिए, चाहे उससे जान पहचान हो या ना हो। तलाकों की कसरत होगी। नेक लोग छुपते फिरेंगे। कमीने लोगों का दौर दौरा होगा। लोग फख्र और रिया के तौर पर ऊंची ऊंची इमारात बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। शराब का नाम नबीद, सूद का नाम नफा और रिश्वत का नाम हदिया रखकर उनको हलाल समझा जाएगा। सूद, जुआ, गाने बजाने के आलात, शराब खोरी और जिना की कसरत होगी। बेहयाई और हरामी औलाद की कसरत होगी। दावत में खाने पीने के अलावा औरतें भी पेश की जाएंगी। अचानक अमवात की कसरत होगी। लोग मोटी मोटी गद्दियों पर सवारी करके मस्जिदों के दरवाजों तक आएंगे। उनकी औरतें कपड़े पहनती होंगी, लेकिन लिबास बारीक और चुस्त होने की वजह से नंगी होंगी। उनके सर बुख्ती ऊंटों के कुहानों की तरह होंगे, यानी वो इस तरह बाल बनाएंगी तो ऊंट के कुहान नजर आएंगे। मटक मटक कर चलेंगे, लोगों को अपनी तरफ मायल करेंगे। ये लोग न जन्नत में दाखिल होंगे न उसकी खुशबू पाएंगे। मोमिन आदमी उनके नजदीक बांदी से भी ज्यादा रहील होगा। मोमिन इन बुराइयों को देखेगा मगर रोक नहीं सकेगा, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा। ये तमाम अलामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में बयान फरमाई जब इनका तसव्वुर भी मुश्किल था, लेकिन आज हम अपनी आंखों से इन सबको देख रहे हैं। कोई अलामत अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, कोई अभी इब्तदाई मरहले में है। जब ये सब अलामात अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगी, उस वक्त क़यामत की बड़ी बड़ी और करीबी अलामात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुख्तसरन
दोबारा अर्ज करता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कब्ल मुसलमान इमाम महदी की क़यादत में रूमियों से जंग करेंगे और जंग में कुस्तनतीनिया को फतह करेंगे। जब ये लोग माल गनीमत जमा कर रहे होंगे तो शैतान की तरफ से दज्जाल के निकल आने की झूठी खबर मशहूर होगी। जब लश्कर के लोग वापस शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल वाकई निकल आएगा और उसके साथ 70,000 अस्फहान के यहूदी होंगे। जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा तो उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का दिमश्क की मशरकी सम्त सफेद मीनारे पर फज्र के वक्त नुजूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताकुब करेंगे और उसे लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे और यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। उनके जमाने में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, तमाम लोग इस्लाम ले आएंगे, हर तरफ अमन अमान होगा, आपस में प्यार मोहब्बत होगा और नफरत और बुग्ज दिलों में बाकी न रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने ही में याजूज माजूज निकलेंगे और हर तरफ तबाही फैलाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे जिसके नतीजे में वो हलाक हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 40 साल और एक रिवायत के मुताबिक 45 साल रहेंगे। उनके जमाने में पूरी दुनिया में एक भी काफिर नहीं रहेगा। जिहाद मौकूफ हो जाएगा, न खिराज वसूल किया जाएगा और न जिज़िया। माल उज़र की फरावानी होगी। जब आपकी वफात होगी तो मुसलमान आपकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और आपको दफन करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक जानवर जमीन से निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। उसके बाद जमीन में धंस जाने के 3 वाकयात होंगे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा जजीरे अरब में। क़यामत की एक बहुत बड़ी अलामत ये होगी कि सूरज एक रोज मगरिब से तुलू होगा, जिसे देखते ही तमाम काफिर ईमान ले आएंगे। लेकिन इस अलामत के जाहिर होने के बाद किसी का ईमान लाना कबूल नहीं किया जाएगा और गुनाहगार मुसलमानों की उस वक्त की तौबा भी कबूल न होगी। एक खुशगवार हवा चलेगी, वो तमाम मोमिनीन की रूहें कब्ज कर लेगी और कोई मोमिन पूरी दुनिया में जिंदा नहीं रह जाएगा। फिर दुनिया में सिर्फ बदतरीन लोग रह जाएंगे। वो गधों की तरह खुल्लम खुल्ला जिना करेंगे, फिर पहाड़ धुन दिए जाएंगे। बिलाखिर इन्हीं बदतरीन लोगों पर कयामत आएगी। जमीन नीचे से ऊपर तक कपकपाएगी और जितने मुर्दे इसमें हैं सबको निकाल बाहर करेगी। पहाड़ उस दिन धुनी हुई रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, जमीन लपेट दी जाएगी। उस दिन हर नेक और बद का अंजाम जाहिर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने फजलो करम से उस दिन की सख्तियों से बचाए। आमीन।